अगली खबर में बात करते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर की सड़कों की बदहाली को लेकर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर की सड़कें खस्ता हाल को लेकर आम जन परेशान है। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने पैर में जूते चप्पल पहनना छोड़ दिया है। अब वे ग्वालियर से लेकर राजधानी तक नंगे पैर घूम रहे हैं। ऊर्जा मंत्री तोमर सुबह 6 बजे भोपाल से ग्वालियर पहुंचे और अपने निवास पर ना जाकर सीधे गेंडे वाली सड़क, लक्ष्मण तलैया वाली रोड, हॉस्पिटल रोड और सेवा नगर वाली निर्माणाधीन सड़कों का निरीक्षण करने पहुंचे। ऊर्जा मंत्री तोमर ने इन 4 सड़कों का नंगे पैर पैदल चलकर निरीक्षण किया और स्थानीय जनता का हालचाल जाना। उन्होंने कहा कि जल्द ही सड़कों का निर्माण हो जाएगा। ऊर्जा मंत्री ने नागरिकों को दीपावली की शुभकामनाएं भी दी। अरे दूर में तो ऊपर मलाई जमती है, इसमें नीचे जम जाती है। अरे रोड ना बना पर गड्ढे तो 100 हो जाएगा। ये चप्पल जूते से पहले बहुत ज्यादा, ये भी कहा है मुख्यमंत्री को रोड नहीं बन रहा। पहले की अपेक्षा व्यवस्थाएं सुधरी भी है। पहले ये रोड पर कितना जाम लगता था, ये जरूर है। रोड भी आपकी मैंने कह दिया है, ये जूते चप्पल जब धारण करूंगा, जब मैंने जनपद नई जड़ी क्षेत्रवासी ग्रामवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मां लक्ष्मी आप सभी के ऊपर ढेर सारी कृपा करे और धन्यवाद। समस्त मध्य प्रदेश वासियों को, बिंदवासियों को, रीवा वासियों को और नई गढ़ी जनपद के सभी पूजनीय जनों को, प्रिय जनों को और छोटे भाइयों को, माताओं को, बुजुर्गों को, व्यापारियों को, किसानों को, मजदूरों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। मां लक्ष्मी की कृपा आप सब पे रहे और आप सब खुशहाल रहें। आपकी खुशी, आपका सुख ही हमारा और हमारी टीम का एक संकल्प है। एक बार फिर अगस्त क्रांति मंच की ओर से और भारत जोड़ो देवतलाव विधानसभा टीम की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय बिंद, जय अगस्त क्रांति।